वालेकुम डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स टुडे इज माय टॉपिक इज़ स्टेट हाई कोर्ट्स। तो प्यारे बच्चों स्टेट हाई कोर्ट्स में हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाई कोर्ट के बारे में जानने होंगे तो पहला पॉइंट है द फर्स्ट हाई कोर्ट टू बी इस्टेब्लिश इन कलकत्ता प्यारे बच्चों जो इंडिया में कोर्ट्स थे वो आज़ादी से पहले भी थे मगर आज़ादी से पहले आ, हिंदुस्तान में सिर्फ तीन कोर्ट्स थे जिनको अठारह में इस्टेब्लिश किया और सबसे पहले आ, हाई कोर्ट कलकत्ता सबसे पहला जो हाई कोर्ट था वो कलकत्ता में था मगर उसी साल बॉम्बे और मद्रास में भी हाई कोर्ट्स बनाए गए तो आज़ादी से पहले सिर्फ़ यहाँ पे तीन हाई कोर्ट्स थे यानी एक था कलकत्ता में और दूसरा बॉम्बे में और तीसरा मद्रास में जो अब बड़ी सिटीज़ है हिंदुस्तान की उन तीन सिटीज़ में सबसे पहले हाई कोर्ट्स बनाए गए मगर सबसे पहले कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाया गया और ये हाईकोर्ट्स अठारह सौ बहासठ ईस्वी में बनाए गए तो आज कल अगर हम बात करेंगे दे आर आर टोटल ऑफ ट्वेंटी फोर कोर्ट्स राइट नाउ यानी आज हिंदुस्तान में चौबीस कोर्ट्स है पहले इक्कीस ही थे क्योंकि जो सेवन सिस्टर्स है उनमें जो आसाम अरुणाचल और ये गवाहाटी ये तीन एक ही जगह पे थे गवाहाटी में उन तीन के लिए एक ही हाई कोर्ट था तीन स्टेट्स के लिए एक ही कोर्ट था और फिर इनको आ, इन सेवन सिस्टर्स में मेघालिया मणिपुर एंड त्रिपुरा को हाईकोर्ट्स दिए गए 2013 में तो इस तरह से आ, टोटल हाईकोर्ट्स चौबीस बन गए ठीक है तो दिल्ली एक वाइट यूटी है जहाँ पे अपना एक सेपरेट हाईकोर्ट है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी एक यू बन गई है तो यहाँ पे पहले से ही हाई, हाई कोर्ट था तो आ, पहले से ही जो कोर्ट था अब इसको हम ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी फाइव नहीं कह सकते क्योंकि ये पहले ही से थे तो हमारे पास इंडिया में ट्वेंटी फोर कोर्ट्स हैं और दिल्ली एक वाहिद यूटी है जहाँ जिसको अपना एक सेपरेट यूटी हाई कोर्ट है ठीक है तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाई कोर्ट्स अब चलेंगे हम आगे तो इसमें कम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट यानी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होती है हाई कोर्ट्स में हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सम अदर जजेस जिस तरह से हमने सुप्रीम uh, कोर्ट में पढ़ा था वहाँ पे एक चीफ जस्टिस होता था और ट्वेंटी फाइव अदर जजेस होते थे मगर हाईकोर्ट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी कुछ जजस होते हैं यानी फिक्सड नंबर नहीं है ठीक है द नंबर ऑफ जजिस इज़ नॉट फिक्सड यहाँ पे जजों की जो तादाद है वो फिक्स नहीं है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स थी ट्वेंटी फाइव मगर यहाँ पे जजों की तैदाद जो है वो फिक्स नहीं है ठीक है तो जो ये जजों की फिक्सेशन है यानी कितने जजिस होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में है मगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये कि सुप्रीम कोर्ट में पच्चीस जजेस होने चाहिए और एक चीफ जस्टिस होना चाहिए मगर हाई कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि इसमें कितने जजेस होंगे और आ, आ, एक चीफ जस्टिस के अलावा कितने जजेस होंगे ये इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे रखा है यानी ये प्रेसिडेंट तक रखा गया है कि हाई कोर्ट में वो कितने जजेस रखेगा और कितने नहीं रखेगा ठीक है उसके बाद है द जजेस एंड चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता था इसी तरह कोर्ट में भी प्रेजिडेंट ही अपॉइंट जजेस की अपॉइंटमेंट करता है ठीक है मगर कोर्ट के लिए जब प्रेजिडेंट जज को अपॉइंट करता है उसमें वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गवर्नर ऑफ कंसर्नड स्टेट को एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट को यानी जब प्रेसिडेंट इसके लिए हाई कोर्ट के लिए जजेस अपॉइंट करता है तो वो राय लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्नड कोर्ट से यानी जिस हाई कोर्ट के लिए उसको जज को अपॉइंट करना है उसके चीफ जस्टिस से और गवर्नर ऑफ द कंसर्नड स्टेट से ठीक है तो चीफ जस्टिस से राय ली जाती है जज अपॉइंट करने के लिए अगर चीफ जस्टिस को ही अपॉइंट करना हो तो उस वक्त प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ़ द स्टेट को कंसल्ट करता है यानी अगर जज को अपॉइंट करना हो तो उसके लिए वो गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करता है मगर अगर उसको चीफ जस्टिस को ही अपॉइंट करना हो तो उस वक़्त वो सिर्फ़ गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करता है ठीक है तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन टू बिकम ए हाई कोर्ट जज ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए नंबर वन ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया सबसे पहली बात कि वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए नंबर टू ही शुड हैव सर्वड एज ए जज ऑफ लाअर कोर्ट फॉर फाइव ईयर्स वो कहीं लावर कोर्ट में जज होना चाहिए पाँच साल के लिए यानी उसने किसी लावर कोर्ट में काम किया होना चाहिए पाँच साल के लिए या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसको आ, हाई कोर्ट का जज बनाया जा, जाता है जो पहले लावर कोर्ट में जिसने पहले लावर कोर्ट में पाँच साल के लिए जज का काम किया हो नंबर तीन ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर लीस्ट टेन ईयर्स उसने दस साल तक हाई कोर्ट में वकालत की हो यानी ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट वो वकील आ, होना चाहिए हाई कोर्ट का और उसने अपना काम एज़ वकील दस साल तक किया हो ठीक है तो ये तीन क्वालिफिकेस है यानी वो एक हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए दूसरा उसने लोअर कोर्ट में से जज पाँच साल तक काम किया होना चाहिए नंबर तीन उसने दस साल तक हाई कोर्ट में से वकील काम किया होना चाहिए ठीक है तो ओथ ओथ कैसे लेते हैं जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर प्रेजिडेंट ओथ लेता है उसी तरह द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट टेक ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट ठीक है जिस तरह से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ओथ लेता है प्रेजिडेंट के सामने यहाँ पे चीफ जस्टिस और जजेस जो है वो ओथ प्रेसिडेंट के सामने नहीं लेते हैं बल्कि वो गवर्नर के सामने लेते हैं या उस आदमी के सामने जिसको गवर्नर ने अपनी जगह पे रखा होगा यानी किसी अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं होगा तो वो किसी और को अपॉइंट करता है और उसके सामने चीफ जस्टिस या जज ऑफ़ द हाई कोर्ट ओथ लेता है ओके तो क्या बात होती है क्या डिफरेंस है यहाँ पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट जज की अपॉइंटमेंट जज का ओथ जज को रिमूवल तीनों काम प्रेसिडेंट करता है यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द जज जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है ओथ अगर जज को लेना हो तो वो बिफोर प्रेसिडेंट लेता है अगर रिमूव करना होगा जज को तो वो भी प्रेसिडेंट ही करता है तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे वहाँ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है रिमूवल भी प्रेसिडेंट करता है मगर ओथ गवर्नर के सामने लेनी होती है ये थोड़ी सी डिफरेंस है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट यानी अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट करता है uh, रिमूवल प्रेसिडेंट करता है मगर ओथ गवर्नर देता है वहाँ पे तीनों काम प्रेसिडेंट करता है यहाँ पे एक काम जो है वो गवर्नर के हवाले किया है तो टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है हाई uh, कोर्ट की जज की ए जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड्स हिज ऑफिस टिल ही द एज ऑफ सिक्सटी टू ईर्स ठीक है हाई कोर्ट में एक जज तब तक रह सकता है अपनी कुर्सी पे तब तक रह सकता है या अपने ऑफिस में तब तक रह सकता है जब तक ना उसकी उम्र बासठ साल की हो जाए और दूसरी बात इफ़ ही वांट्स ही कैन रिजाइन अगर वो चाहता है कि मैं अब थक चुका हूँ अब मैं मुझे काम नहीं करना चाहिए तो वो रिजाइन भी कर सकता है बाई राइटिंग टू द प्रेजिडेंट और उसके लिए उसको रिटर्न रिजिग्नेशन देना पड़ता है प्रेजिडेंट को ठीक है तो इसी तरह से ही कैन भी रिमूव्ड बाय द प्रेजिडेंट उसको प्रेजिडेंट हटा भी सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट जब उसको पार्लियामेंट रिकमेंड करे यानी पार्लियामेंट अगर रिकमेंड करे कि इस जज को हटाना है तब जाके प्रेसिडेंट इसको हटा भी सकता है ए हाई कोर्ट जज आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस आइदर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन विच ही हैज ही इन विच ही हैज़ नॉट सर्वड क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है जब वो रिटायर होता है वहाँ से तो वो, कही और और वो, वो, और तो वो कहीं और काम नहीं कर सकता है यानी किसी और कोर्ट में वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसने सबसे आला कोर्ट में काम किया होता है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आला कोर्ट है उसके ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है यानी अगर उसमें कोई जज रहा हो या कोई चीफ जस्टिस रहा हो तो वो रिटायरमेंट के बाद कहीं और काम नहीं कर सकता है ये रेस्ट्रिक्शन है उसके लिए मगर हाँ कोर्ट का जज जो है वो रिटायरमेंट के बाद हाँ कोर्ट से रिटायरमेंट होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है या अगर उसने किसी एक हाँ कोर्ट में काम किया होगा तो वो किसी दूसरे में काम कर सकता है जहां उसने काम न किया हो यानी अगर कोई जज श्रीनगर के हाँ कोर्ट में काम करता होगा और वो रिटायर हो गया तो वो जाके दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर सकता है अगर उसने वहाँ काम नहीं किया होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का जज कहीं और काम नहीं कर सकता है रिटायरमेंट के बाद मगर हाई कोर्ट का जज काम का कर सकता है रिटायरमेंट के बाद ठीक है उसके बाद है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज यानी इसके लिए क्या प्रोसेस है कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं इस जज को जो हाई कोर्ट में काम करता है ए जज कैन बी रिमूव बाई प्रेजिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ़ प्रूट इनकेवियर और मिसकंडक्ट एक जज को प्रेजिडेंट रिमूव कर सकता है जब उसको पार्लियामेंट रिकमेंड करे जब उसको पार्लियामेंट कहे कि इस जज को जनाब हटाना है मगर किन बिन्ों पर हटाना है अगर वह प्रू हो जाए कि वो इनकेपेबल है अगर प्रू हो जाए कि इसने मिसबिेव किया अगर प्रूव हो जाए कि इसने मिसकंडक्ट किया यानी ऐसे ही इसको पार्लियामेंट रिकमेंड नहीं करता है अपनी मर्जी से कि नहीं ये इस जज के साथ हमारी नहीं बनती है तो रिकमेंड करते हैं कि जज प्रेजिडेंट को कि इसको रिमूव कर दीजिए ना बल्कि जब एक प्रूव हो जाए कि ये इनकेपेबल है ये जज या इसने मिसबिहेव किया या इसने मिसकंडक्ट किया ठीक है ए मोशन टू रिमूव द जज ऑफ़ हाई कोर्ट कैन भी इंट्रोड्यूसड इन एनी हाउस ऑफ पार्लीमेंट इसके लिए एक आ, बिल पेश करनी पड़ती है या एक मोशन लानी पड़ती है हाईकोर्ट के जज को ए मोशन टू रिमूव द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन भी इंट्रोड्यूसड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लीमेंट या लोकसभा में या राज्य सभा में एक मोशन लानी पड़ती है इंट्रोड्यूस करती करनी पड़ती है ताकि इस जज को रिमूव करना है ठीक है यानी एक मोशन लानी पड़ती है या मान लीजिए एक बिल लानी पड़ती है किसी भी हाउस में इधर पार्लियामेंट के लोकसभा में और राज्यसभा में दो हाउसों में किसी एक हाउस में एक बिल लानी पड़ती है इस इसको हटाने के लिए ठीक है इट मस्ट बी इंट्रोड्यूसड बाई एट लीस्ट हंड्रेड मम्बर्स इन लोकसभा अगर लोकसभा में ये मोशन लाई गई तो कम से कम सौ मेम्बर्स लाने चाहिए और अगर राज्यसभा में ये मोशन लाई गई तो कम से कम पचास मम्बर्स लाने चाहिए वेन एवर इट इज़ इंट्रोड्यूस जब कभी भी इस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है एदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा अगर लोकसभा में लाई गई तो कम से कम सौ मेंबर्स होने चाहिए अगर राज्यसभा में लाई गई तो कम से कम पचास मेंबर्स होने चाहिए ठीक है उसके बाद क्या होता है द स्पीकर और चेयरमैन में रिजेक्ट हिज प्रपोज़ल और सेटअप ए थ्री मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द कंसर्न तो स्पीकर या चेयरमैन जो होता है इन हाउस उसका यानी स्पीकर ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा वो उनकी उस मोशन को उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर सकता है और उसके बाद वो तीन मेंबर कमेटी बनाता है टू इन्वेस्टिगेट द कंसर्नस उस uh, इनकी इस इनकेपेसिटी को मिस बिहेवियर को या मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो तीन आदमियों की एक कमेटी बनाता है जिसमें जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट होता है जज ऑफ़ हाई कोर्ट होता है और एक डिस्टिंगविश जूरिस्ट होता है ठीक है ये तीन फिर रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट के बाद फिर प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है यानी ये एक uh, मुश्किल काम है एक जज को अपने अहदे से हटाना ये एक बड़ा काम होता है ये एक मुश्किल काम होता है एक जज को अपने अहदे से हटाना वन कमेटी फाइंड हिम गिल्टी अगर कमेटी ने उसको गुनहगार ठहराया देन द मोशन हैज़ टू बी पासड बाय बोथ हाउसेज ऑफ स्पेशल मेजार्टी अगर कमेटी ने फिर जज को गिली पाया गुनहगार पाया तब जाके ये मोशन जो है वो पास होनी चाहिए दोनों हाउसेज़ में राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी विद स्पेशल मेजार्टी वहाँ सिर्फ सौ मेंबर या पचास मेंबर की बात नहीं चलेगी वहाँ फिर स्पेशल मेजार्टी की बात चलेगी यानी कि इस या अब इस बिल को वहाँ पे पास होना है अब इस मोशन को वहाँ पे पास होना है कहाँ पे दोनों हाउसेज़ में राज्यसभा में भी और लोकसभा में बट विद स्पेशल मेजार्टी और स्पेशल मेजारटी के साथ ठीक है देन द प्रजिडेंट गिव हिज़ असेंट एंड जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ रिमूव उसके बाद जज ऑफ हाई कोर्ट रिमूव हो सकता है यानी कि रिमूवल जो है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज या रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ये एक लेंथी प्रोसेस है यानी ज़्यादातर ये ऐसे रिमूव नहीं होते हैं मगर रिमूव हो सकते हैं इसके लिए एक बड़ी प्रोसेस है यानी कि कैसे हम जज को हटा सकते हैं तो प्यारे बच्चों इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा जुरूरी डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट की कहाँ कहाँ से जुरू डिक्शन है तो वो इन हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे थैंक यू